लोकसभा चुनाव में नेता एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते बाज नहीं आ रहे। नेताओं को लगता है कि ऐसा करने से लोग उनसे खुश हो जाएंगे और उन्हें जितवाएंगे। आंवला से भाजपा के प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। इस दौरान वे ये भी भूल गए कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। सारी मर्यादाओं को लांघते हुए उन्होंने भाजपा सांसद और प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप को कहा कि तुम्हारी नसबंदी कर देंगे, तुम टायर पंचर वाले हो, ना तुम्हारी इज्जत थी और ना दूसरे की समझते हो, तुम अच्छे खानदान से नहीं हो। आबिद अली ने सांसद धर्मेंद्र कश्यप को धमकी देते हुए कहा कि तुमने हमारे एक भी नौजवान को छूने की कोशिश की तो हम तुम्हें चौराहे पर ले जाकर नंगा कर देंगे। आंवला के मालिक हैं हम, आंवला की सीमा में तुम्हारी गाड़ी को घुसने नहीं देंगे। तुम्हारे पास बहरूपिये हैं, छलिए हैं और ठगी आएंगे। बदल चुकी है बीएसपी, नए पैटर्न पे चल रही है बीएसपी। युवा जोश है, बीएसपी युवा होश है। जिस तरह से आकाश आनंद जी ने संबोधन किया, आपने देखा कि पूरे संबोधन में तालियां गूंजती रही और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जिस तरह से पोल खोली, दरअसल वो हकीकत बयान करता है। और आकाश आनंद जी के बाद हमको ये लगता है कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से पहले अपने उरूज पे थी, उससे भी कहीं ज्यादा ताकत में बढ़ चढ़ कर उभरेगी। अब तो हद तो ये हो गई है कि उन्होंने जब से हम प्रत्याशी बने हैं, हमारे मुस्लिम समाज के कोटेदारों को, चेयरमैनों को, प्रधानों को हड़काने लगे हैं कि भाई तुम आबिद अली को मत लड़ाना वरना तुम्हारी जांच करा देंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहते हैं, धर्मेंद्र कश्यप जी हमें सैयद आबिद अली कहते हैं, अगर तुमने हमारे एक भी नौजवान को छूने की कोशिश करी तो हम बीच चौराहे पे तुम्हें नंगा कर देंगे। औला के मालिक हम हैं, औला की सीमा में घुसने नहीं देंगे तुम्हारी गाड़ी को। बता देना चाहता हूँ कश्यप जी को कि अपनी हदों में और औकात में रह के चुनाव